अम्मा क्या बताएं, कई साल गुजर गए, राजा दिल्ली छोड़कर चला गया। अजी वो क्या गया, यहाँ की सारी रौनक चली गई, अब तो सिर्फ यहाँ उसकी बातें होती हैं जनाब। तुम में से किसी ने राजा को देखा है? राजा? हाँ। बैंक डकैती के बाद वो यहाँ दिखाई नहीं दिया। साहब, चोर बाजार में सुलेमान भाई रहते हैं, वो राजा के बारे में आपको सही बता सकते हैं। 2 साल पहले मैंने राजा को सेंट्रल जेल में देखा था। अगर राजा को उम्र कैद की सजा हुई होती, कम से कम 14-15 साल साथ रहने को तो मिलता। क्यों चाचा, कैसा है? 3 साल से देखता है, इधर इस बिजली के खंभे माफी खड़ा है। मैं भी तुम्हें 3 साल से इस जेल में आते जाते देख रहा हूँ, तुम ये चोरी करना छोड़ क्यों नहीं देते? छोड़ देगा तो खाएगा क्या? ये साला सिस्टम ही गड़बड़ है चाचा। ये दुनिया है ना, एक टीवी है जिसका रिमोट कंट्रोल ये साला अमीर लोग के हाथ में, जो अपन को नचाता रहता है। ऊपर वाला तो सबको बराबर देता है ना, सूरज का रोशनी, आसमान, हवा, सब बराबर है, फिर ये दौलत बराबर क्यों नहीं? सब साला अमीर लोग के कब्जे में, अपन सिर्फ अमीर का जेब काटता है, और ये अपनी नजर में गुनाह नहीं है। चलता, फिर मिलेंगे चाचा। आज का दिन बहुत अच्छा है। गजरे घ्या गजरे। चलो रे। अरे क्या यार, अरे अरे अरे, दिखता नहीं है क्या? अरे माफ करना भाई, कोई बात नहीं सेठ। चल बे। ए पटेल, पॉकेट में माल वाला है कि नहीं यार? अरे बहुत है, ये ले, सुन काट ला बप्पा, ये तू ले, ये तू ले। मेरा पर्स कहाँ गया? 2000 रुपए थे उसमें यार। अरे मेरी जेब में 5 रुपए थे, अब नहीं है। मेरी जेब भी खाली है, मेरी जेब में पर्स है, पैसे नहीं है। इसका मतलब वो साला चोर था, हम चारों की जेबें काट के चला गया। मुझे बुलाकर इतने दिन कैसे रह जाते हो? जब तुम मुझसे दूर होते हो तो तुम्हारे इंतजार में नजरें हमेशा दरवाजे पे टिकी रहती है। सोचती हूँ न जाने तुम कब दस्तक दोगे। आंखें मिलते मिलते सुबह हो जाती है, न तुम आते न नींद। नींद तो साला अपुन को भी नहीं आता था, बस रात बिताने के लिए आंखें बंद कर लेता था। कभी मेरी याद आती थी? आती थी, पन सोचता एक दिल के अलावा अपुन ने तुझे दिया क्या है? ये दिल तो बहुत नसीब वालों को मिलता है राजा। मेरी जिंदगी में रोशनी सिर्फ तुमसे है, चांद और सूरज से सिर्फ अंधेरे दूर करते हैं। मुझे तुम मिल गए, सब मिल गया। निशा, तुम्हारी तस्वीरें तो बहुत अच्छी है, पर इन कपड़ों में तुम्हें रामलीला में काम मिल सकता है, हमारी एड्स में नहीं। आपकी एड्स में कैसे कपड़े चाहिए सर? ऐसे। मगर आप तो कह रहे थे टूथपेस्ट का ऐड करना है। यहाँ जो दिखता है वही बिकता है, तुम अगर इन कपड़ों में हमारे टूथपेस्ट का ऐड करोगी तो देखना टूथपेस्ट का सेल बहुत बढ़ जाएगा। बड़ी शर्म की बात है, एक टूथपेस्ट बेचने के लिए आपको औरत के जिस्म की नुमाइश करनी पड़ती है। थैंक यू। हे निशा, कहाँ जा रही हो? इस तरह बस में सफर करोगी तो तुम्हारा ये खूबसूरत बदन छिल जाएगा। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। इस तरह गर्मी में बदन जलाने से तो अच्छा है कि मेरा कमीने, न तो हर जगह बाजार होता है और न हर चीज बिकाऊ। छोड़ो मुझे।
मत बढ़ना, आगे मत बढ़ना। राजा को बताएगा। राजा नहीं, राजा नहीं। आखिर ये अमीर लोग समझते क्या हैं? बस स्टॉप पर खड़ी हर लड़की क्या भिकाऊ होती है? अरे तेरे पे कोई बुरी नजर डालेगा ना तो फोड़ डालेगा अपन उसको। राजा तुम समझने की कोशिश करो, इस तरह लड़ाई झगड़े तुम्हें कुछ हो गया तो कौन है मेरा तुम्हारे सिवा? राजा आज हमारे हालात ठीक नहीं है, कोई भी हमें कुछ भी कह के चला जाता है, कल जब ठीक हो जाएंगे कोई कुछ नहीं कहेगा। वो कल ही तो नहीं आ रहा। आएगा राजा, जरूर आएगा। इंसान माँ के पेट से मुट्ठी बंद करके आता है, उसकी मुट्ठी में कुछ नहीं होता, सबको दुनिया से ही मिलता है और हमें भी दुनिया ही देगी। ये 200 और। ये मेरे 400, शो करो। अपुन ब्लाइंड में फिर भी देरी फट गई क्या? फटी नहीं, मेरे पास कैश नहीं है और तुम बिना कैश के खेलते नहीं हो। अपना स्टाइल है फ्लैश विद कैश। राजा तो फिर जीत गया बाप। जीतने वाले खिलाड़ी के साथ खेलने का शौक हम भी रखते हैं। शौक बुरा नहीं है बाप। अपनी भी एक शर्त है, पत्ते ये रहेंगे और खेल तुम्हारे और मेरे बीच होगा। बहुत कॉन्फिडेंस से खेलते हो। अपुन ऐसे ही खेलता है, पत्ते तो अपुन देखता ही नहीं। और जिसने पत्ते देख लिए हो और उसके हाथ में 3 इक्के हो तो फिर तो उसको सब कुछ दाव पे लगा देना चाहिए। ये रहा बंगला। ये रही टी स्टेट। और ये अपुन की तस्वीर। कौन है ये? यहां से हजारों मील दूर पालनपुर में ये आलीशान हवेली है। ये टी स्टेट है और इन सब का मालिक है तुम्हारा ये हमशक्ल निर्मल, जो लंदन में पढ़ता है और आजकल पालनपुर आया हुआ है। ये उसका बाप राय बहादुर चिनाय कार एक्सीडेंट में मारा गया है। ये निर्मल की सौतेली मां सोनिया है और यह दीवान बलदेव जो कारोबार संभालता है, और यह है मामा माणिक चंद सोनिया का नाकारा भाई। ये गुड्डी है सोनिया की बेटी, सौतेली बहन होने के बावजूद भी निर्मल इसे बेहद प्यार करता है। तुम्हारा ये पूरा स्टोरी अपुन के भेजे में नहीं आया भाई। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूं, सैकड़ों बार जेल की हवा खाने के बाद भी तुम्हारे पास 2 गज जमीन नहीं जिसे तुम अपना कह सको। अमीरों पर गरीबों का हक छीनने का आरोप तो लगाते हो, लेकिन किसी अमीर से आज तक अपना हक नहीं छीन सके। आज मौका है, छीन सकते हो। करना क्या है? तुम्हें अपने इस हमशक्ल की जगह लेनी है। दिमाग मेरा और सूरत तुम्हारी। सूरत उरत तो ठीक है, लेकिन ये मेरा हमशक्ल दीवार पर लगा कोई फिल्म का पोस्टर नहीं है जिसको तुम निकालेगा और अपुन को उधर चिपका देगा। ये गोरिया कोई बड़ा आदमी दिखता है, इसको हटाएगा कैसे? उसका प्लान मेरे पास है।
सारा इलाका मेरे अंडर में आता है। क्या बात बोलता है बाप, फिर तो ये प्लान फेल होएगा। इतनी इस काम के लिए मैं तुम्हें 25% दूंगा। नहीं, अपुन का हिस्सा 50-50 होगा, क्योंकि ये काम अपुन के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं कर सकता। क्यों, आए कि नहीं? ओके, डन, 50-50। बाकी बातें और निर्मल के बारे में डिटेल्स में तुम्हें देता रहूंगा। वक्त आने पर तुम्हें निर्मल की जगह लेनी होगी, फिलहाल कुछ कैश रख लो। निशा, जब जेब में पैसा हो तो आदमी नामिज का नहीं असली राजा लगता है। अब तेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं, अब तेरे सारे अरमान आपुन पूरा करेगा। राजा, ये क्या करते हो? ये कोई शराफत है? शराफत नहीं निशा, ये मोहब्बत है, मोहब्बत। ऐसा ना हो अरमान जाग जाए, सोए हुए तूफान जाग जाए। ऐसा ना हो अरमान जाग जाए, सोए हुए तूफान जाग जाए। चलो एक दूसरे से चलता हूँ, जाऊं? हाँ जाओ, ओके, सी यू, बाय बाय। अच्छा हुआ वो चली गई, वरना कयामत हो जाती। उससे डर लगता था, मेरा दिल धक धक करता था।
जागते हैं तो अरमान जाग जाए, जागते हैं तो अरमान जाग जाए, सोए हुए तूफान जाग जाए। चलो एक दूसरे के संग भाग जाए, हाँ चलो एक दूसरे के संग भाग जाए। कितनी फास्ट गाड़ी चलाते हैं, बाप रे बाप, मेरी तो जान ही चली गई। तुम्हारा इस तरह तेज गाड़ी चलाना मुझे भी अच्छा नहीं लगता। वो तेज गाड़ी ही थी जिसने हमसे तुम्हारे पिताजी को छीन लिया। मेरी दुनिया उजाड़ दी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो लोग कहेंगे कि सौतेली माँ थी, बेटे का ख्याल नहीं रखा। ठीक है माँ, अब मैं कभी तेज गाड़ी नहीं चलाऊंगा, लेकिन आज के बाद आप कभी अपने आप को सौतेली मां मत कहना, प्रॉमिस। गुड मॉर्निंग निर्मल बेटा। गुड मॉर्निंग दीवान अंकल। बेटा ये कुछ पेपर्स हैं, इन पर साइन कर दो, मुझे कुछ मशीन्स खरीदने के लिए दिल्ली जाना है। अंकल ये सब काम आप माँ से करवाइए, मैं 5 साल के बाद लंदन से आया हूँ, 2-3 हफ्तों के बाद यहाँ से चले जाऊंगा, मुझे यहाँ के बिजनेस के बारे में कुछ नहीं मालूम। मालिक, आयो मालिक। क्या हो मामा, क्यों चिल्ला रहे हो? इस नौकर के माँ बाप बहुत चालाक थे। हाँ वो कैसे? अरे पैदा किया नौकर मगर नाम उसका रखा मालिक राम। अरे कमीना है तो मेरा नौकर ही, लेकिन तकदीर के सितम से मुझे इसे मालिक कहना पड़ता है। नहीं मामे, चालाक तो तुम्हारे माँ बाप थे मामा जी, नाम रखा माणिक चंद और ये निकले फोकट चंद, बरसों से यहाँ फोकट का खाना खा रहे। अबे बकवास मत कर तू। देख भांजे, मैं यहाँ पे अपनी बहना का दुख बांटने के लिए आया था, वरना फैजाबाद में किसी चीज की कमी नहीं थी। अरे 6 वक्त की रोटी तो टाइम टाइम से मिल जाया करती थी, लेकिन ये कमबख्त कभी टाइम पे खाना नहीं देता। तुम्हारे खाने का टाइम कौन सा है मामा जी, हर 2 घंटे में 3 बार खाना खाते हो। चुप कर, तू आके फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है? जा मेरे लिए दूध लेकर आ और खूब सारी मलाई डालकर लेके आना। ये हराम खाओ मामा के लिए दूध। कल्लू इधर ला। और ये मामा के लिए मलाई। वाह मालिक, बरसों बाद ऐसी मलाई खाई है, फैजाबाद की याद आ गई, मजा आ गया। मजा तो कल सुबह आएगा मामा, गाजियाबाद की याद आएगी जब बाथरूम में 1.5 मीटर मलमल निकलेगी। छोटे वाले आप कहाँ जा रहे? सोचता हूँ अपने टी गार्डन देखा हूं। पांच का साथ आमिर खान की फिल्म है पांच का साथ। ये ले 7 रुपए एक टिकट दे। अरे संध्या एक टिकट मुझे भी देना। अरे काकी ये ऊपर जाने की टिकट नहीं, सिनेमा की टिकट है, सिनेमा की। तो क्या हुआ, मैं सिनेमा नहीं देख सकती? देखने को तो बहुत कुछ देख सकती है, अब तो आमिर खान को देखने लायक नहीं रही, जब देवानंद की लगेगी तब आना। संध्या 6 बजे की फिल्म है और 5 बजे हमारी छुट्टी होगी, फिर हम फिल्म देखने जाएंगे कैसे? अरे तू फिक्र मत कर, 2 रुपया ज्यादा किस बात का लेती हूँ। शेरू जा।
अरे इतनी जल्दी 5 बज गया? 20-25 अरे अरे कहाँ जा रहे हो तुम लोग? अपने घर। अभी से? अरे फैक्ट्री की छुट्टी तो 5 बजे होती है। हम 5 बजे ही जा रहे हैं, छुट्टी की घंटी सुनाने दी क्या? अरे वो घंटी तो सुनाई दी, लेकिन मेरी घड़ी में तो अभी 4 ही बजे हैं। अरे तुम्हारी घड़ी का ईमान धर्म थोड़ी है, बूढ़े हाथी बूढ़ी घड़ी। क्या हम लोग फैक्ट्री के घड़ी के टाइम से आते हैं और फैक्ट्री के घड़ी के टाइम से जा रहे हैं, जयराम जी की। चलो रे। अरे देखो तुम बगावत कर रही हो। अरे संध्या, तूने मुकादम को उल्लू बनाकर हमें छुट्टी तो दिला दी, अब 10 कोस दूर सिनेमा हॉल कैसे ले जाएगी? वो देख आ गया बकरा। आहा, जैसे वो गाड़ी हमारे लिए ही आ रही है। अरे तू देख तो सही शेरू। शेरू मार डाला रे, मार डाला मेरे शेरू को। अंधे ने गूंगे जानवर की जान ले ली। अरे कोई है जो इस बेरहम को पुलिस के हवाले कर दे? देखिए आपका कुत्ता जानबूझकर मेरी जीप के आगे कूदा है। जानबूझकर? अरे ये तो कुत्ता है, इसे क्या मालूम जीप का आगे पीछे क्या होता है। अरे तुम तो इंसान हो, तुमने क्यों मोटर चढ़ा दी? आपके कुत्ते को कुछ नहीं हुआ है, इसे हम हॉस्पिटल ले चलते हैं, ये ठीक हो जाएगा। चलिए। शहरी लगते हो, यहाँ क्या नौकरी करने आए हो? जी जी हाँ। कहाँ? हाँ, कहीं निर्मल टी स्टेट में तो नहीं ना? हाँ हाँ वही। छी छी छी, वो भी कोई नौकरी करने की जगह है? क्या हम सब लड़कियां वही तो काम करती है। अब देखो फैक्ट्री की छुट्टी 5 बजे होती है ना, हम सब लड़कियां 4 बजे मुकादम को उल्लू बनाकर आ गई। अच्छा। अरे अस्पताल आ गया। यहाँ तो कोई अस्पताल नहीं है, ये तो सिनेमा हॉल है। पता है, हमें यही तो जाना है। चलो रे। इसका मतलब है कि तुम लोगों ने मुझे उल्लू बनाया। अब फौरन यहाँ से निकलो, वरना लोग कहेंगे कि गांव की छोरी ने शहरी बाबू को उल्लू बनाया। अच्छा अब फालतू बकबक मत करो, हमारी फिल्म शुरू हो रही है, चलते हैं। जय राम जी की। तभी हमें शहरी बाबू जीप में नजर आया। अच्छा? और मेरे इशारे पे शेरू जीप के आगे कूद गया। हाँ। अरे ये सब तो डर गई थी, मैंने कहा डरो मत। हाँ? 2 रुपया ज्यादा किस बात का लेती हूँ, ये लो। कल तो हम लोगों ने उसकी ऐसी हालत की कि वो बेचारा हमें ख्वाब में भी देखेगा तो चौंक के उठ जाएगा। अरे छोटे मालिक, इतने वर्षों के बाद आप यहाँ आइए आइए। मुझे इन सब का अभी और इसी वक्त हिसाब चाहिए। जी छोटे मालिक। हैं? इसका मतलब है तुम लोगों ने वो हरकत छोटे मालिक के साथ की, अब समझो कि तुम लोगों की नौकरी गई। अब मुझे कुछ करना पड़ेगा।
बस बस बहुत हो गया, माफ कर दिया तुम लोगों को। सच छोटे मालिक, हमें बस एक ही शौक है, फिल्में देखना। जब तक हम फिल्म नहीं देखते हमें नींद नहीं आती। तुम लोगों के लिए काम से ज्यादा फिल्में देखना जरूरी है। नहीं छोटे मालिक, अब तुम आ गए, अब हम काम छोड़कर फिल्म देखने कभी नहीं जाएंगे। यार नौकरी बच गई। मालिक राम है, बहुत दिनों से ये फैजाबाद की कोई खबर नहीं छपी पेपर में। मामा जी आपके फैजाबाद में मंदिर तो होंगे ना? हाँ हाँ है, मंदिर है, मस्जिद है, एक गुरुद्वारा भी है। तो वहाँ जाके भीख मांगो ना, यहाँ क्यों पड़े हो? क्या बोला तूने? कुछ नहीं। अरे वाह हैट अच्छी है, चलो उठो सोफा साफ करना है। मैं जिस जगह बैठता हूँ तू वही जगह साफ करने के लिए पहुँच जाता है। आप जिस जगह पे बैठते हो वही जगह गंदी हो जाती है। नमस्ते नमस्ते मामा फैजाबादी, पायलागू पायलागू। जीते रहो। ये आ गए हिलन कर, हिलाते हिलाते मामा 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 मामा, ये रहा आपका नजराना, वो जो आपने मुझे निर्मल टी एस्टेट में काम दिलवाया था ना उसके लिए। सुनो रामपाल जी, ये सारी फाइलें निर्मल टी एस्टेट की हैं, तुम इन्हें अच्छी तरह देख लो। अब इस एस्टेट को तमाम कानूनी सलाह हम देंगे। देंगे ना? जी सर। गुड, देंगे। सर ये लीजिए निर्मल टी एस्टेट की फाइल। इसमें टी एस्टेट की तमाम जानकारी है लेकिन निर्मल चिनॉय की दस्तखत नहीं है। ये चेन किसकी है? मेरी छोटी बहन की। ठीक है, बड़े आसान दस्तखत हैं आपके, कोई भी नकल करके आसानी से आपके बैंक से लाखों रुपए निकाल सकता है। एसपी साहब, जो दिखने में आसान होता है उसे कॉपी करना उतना ही मुश्किल। और वैसे भी आप घबराइए मत, जायदाद मेरे नाम जरूर है लेकिन चेक और बिजनेस मैटर्स में दस्तखत माँ के चलते हैं। मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ इसलिए पावर ऑफ अटॉर्नी मैंने माँ को दे रखी है। बहुत अच्छी बात है निर्मल चनाय साहब, मगर आपको अपने देश में रहना चाहिए। कभी कभी एक हादसा जिंदगी में बहुत कुछ बदल देता है। डैडी के गुजर जाने के बाद यहाँ जी नहीं लगता, हमेशा उनकी याद आती है। एनीवे एसपी साहब मैं चलता हूं, चलो गुड्डी। तेरा दस्तखत कॉपी करना मुश्किल नहीं है निर्मल, अगर मुश्किल था तो तेरा दस्तखत हासिल करना। साहब आपने मुझे चोरी करने के लिए कहा, आप ही ने पकड़ा और अब आप ही मुझे पैसे देकर छोड़ रहे हैं। आज के बाद पालनपुर में नजर मत आना। बाबा दीवान जी पूरे 2,00,000 रुपए हैं, माल मैं आज ही ले जाऊंगा, कल सुबह को डिलीवरी देनी है पार्टी को। ठीक है, ट्रक्स लेकर रात को फैक्ट्री आ जाना, मामा मानिकचंद तुम्हें माल दे देगा। टांगा रुको, चल चल, भांजा लंदन से आ गया है, वो यहां कहीं टपक गया ना सबकी हजामत हो जाएगी तकदीर के सितम से। फैक्ट्री की लाइटें जल रही है। ये लाइटें जल कैसे सकती हैं, आज तो छुट्टी का दिन है। जल्दी जल्दी करो। शेरू
कहां से आ गए? छोटे मालिक सबसे बड़ा इनाम तुझे ही देंगे, चारों तरफ तेरी चर्चा होगी, इतना सब कुछ पाकर हमें भूल तो नहीं जाएगी ना। साथियों, कल रात जो आप लोगों ने फैक्ट्री का नुकसान होने से बचाया है, उससे यह साबित होता है कि आप लोग इस फैक्ट्री को अपना समझते हैं। कि जो इनाम मैं आप लोगों को देने जा रहा हूं, वो इनाम मेरी इसी खुशी का एक छोटा सा हिस्सा है। पहला इनाम गुलाबो। ये क्या, पहला इनाम तो तुझे मिलना चाहिए था। दूसरा इनाम है कजरी। धन्यवाद। तीसरा इनाम है झुमकी। और अब आखिर में ये सबसे खूबसूरत इनाम उसके लिए जिसने कुछ ही मुलाकातों में मेरे दिल में एक खास जगह बना ली है। बेशर्मी से तेरी तारीफ कर रहा है। ये चेन मैं अपने हाथों से उसके गले में डालूंगा। कादम जी, शेरू की तनख्वाह कितनी है? शेरू की कुछ भी नहीं, छोटे वाले की तो कुत्ता है। जब तुम गधे होकर तुम्हें तनख्वाह मिल सकती है तो शेरू को क्यों नहीं? आज से शेरू की तनख्वाह 500 रुपए महीने होगी। अरे आपने मुझे गधा कहा तो बड़ा अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि बचपन में मेरी माँ मुझे प्यार से गधा कहती थी। चलो अभी आप जाकर मेहमानों का ख्याल रखिए। जी मुझे इनाम ना देकर तुम्हें खुश हुई ना? इतनी भीड़ नहीं थी कि तुम मुझे देख ना सको। फैक्ट्री का हर आदमी तुम्हें दिखाई दे रहा था, हर आदमी को तुमने इनाम दिया, सम्मान दिया। तुम्हें क्यों दुख हो रहा? क्योंकि चोरी होने से मैंने बचाया था, फिर वो इनाम और सम्मान मुझे क्यों नहीं मिला? इसलिए कि तुम इनाम के लायक नहीं हो। तो मैं किसके लायक हूँ? तुम प्यार के लायक हो।
निर्मल नहीं, राजा। अब लगता है ना बिल्कुल तेरे निर्मल जैसा। बिल्कुल निर्मल। राजा इस तस्वीर को भी अच्छी तरह से देख लो, ये संध्या है। निर्मल इससे प्यार करता है और बहुत जल्द ही ये दोनों शादी करने वाले। सही चीज है बाप। राजा अब तुम्हारा खेल शुरू होगा। आज तक तुम सिर्फ छोटी मोटी चोरियां करते आए हो, पहली बार इतना बड़ा काम करने जा रहे हो। करोड़ों का खेल है, होशियार रहना। तुम ये सब क्या है? कौन है ये आदमी? क्या प्लान बन रहा है? किसके घर डाका डाल रहे हो राजा? मैं तुम्हें ये सब नहीं करने दूंगी। औरत की हस्ती बहुत छोटी होती है, उसका मर्द की हर बात में दखल देना अच्छा नहीं होता। औरत के दखल के बगैर मर्द की जिंदगी तक अधूरी है, फिर बात कैसे पूरी हो सकती है? और तूने अभी तक औरत की हस्ती को नहीं पहचाना। औरत अपनी नजर से मर्द का कद और हद दोनों नाप सकती है, और तू तो मुझे कोई बहुत ही गिरा हुआ आदमी नजर आता है। निशा, एसपी तुम जाओ, आप उन समझाता इसको। पुलिस ऑफिसर होके तुमसे इतना घिनौना काम करवा रहा है? कौन सा घिनौना काम? किसी अमीर को लूटना अपना हक छीनना है। देख ये शक्ल, देख मिलती है ना उनसे? भगवान ने ये शक्ल अपुन को इसलिए दी है कि अपुन निर्मल की जगह ले सके, उसकी दौलत हासिल कर सके। अब आदमियों की जगह मशीनें काम करेंगी, अब मशीनें गड़बड़ करेंगी तो मैं किसके पैसे काटूंगा? तुम लोग गड़बड़ करते थे तो पैसे काट देता था ना। तुम सब लोग यहाँ क्या कर रहे हो? आज कामकाज बंद है क्या? तुम सबको नौकरी से निकाल दिया गया है। दीवान जी, आपने हमें नौकरी से क्यों निकाल दिया? फैक्ट्री में मशीनें आ गई हैं, अब हमें ज्यादा मजदूरों की जरूरत नहीं है। आपको मजदूरों की जरूरत नहीं है, लेकिन मजदूरों को काम की जरूरत है। छोटे मालिक अब यहाँ है, मैं जाकर उनसे बात करती हूँ। उससे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, ये फैसला निर्मल का ही है। उसी ने सबके साथ तुझे भी फैक्ट्री से निकालने का फैसला किया है। वाह दीवान जी, खूब बदला लिया उस रात का। अब हमें चोरी करने से कोई नहीं रोक सकता। ए संध्या, संध्या क्या हो गया तुम्हें? इतनी देर से आवाज दे रहा हूं, सुना नहीं देता? क्या सुनाना चाहते हो? जो तुम कहना चाहते हो वो हमने दीवान से सुन लिया। दीवान अंकल, क्या बात है निर्मल? मेरा नाम लेकर आपने इन लोगों को नौकरी से निकालकर जो गिरी हुई हरकत की है, उसके लिए इसी वक्त आपको इन लोगों से माफी मांगनी होगी। ये तुम्हारा मालिकाना तेवर बोल रहा है या इस मजदूर लड़की की मोहब्बत का जादू? दीवान, अपनी हद से आगे मत बढ़ना। एक दो टके की लड़की का हाथ थाम कर तुम मुझे मेरी हद बता रहे हो? खामोश, तुम्हारी हद क्या है? हमारे टुकड़ों पे पलने वाले एक मामूली से दीवान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे से ऊंची आवाज में बात करने की? और जिसे तुम दो टके की लड़की कह रहे हो, वो हमारे खानदान की होने वाली बहू है। अपनी बदजबानी के लिए मेरे बेटे से माफी मांग, वरना इसी वक्त निकल जाए यहां से। सॉरी। अब आप लोग भी अपने अपने काम पर वापस जाइए, आज के बाद आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। चलो भाई, चलो, हुक्म हो गया, चलो काम पे। नाराज हूं
तुम्हें डांटते हुए मुझे भी अच्छा नहीं लगा। लेकिन मैं क्या करती, तुम तो जानते हो सारी प्रॉपर्टी निर्मल के नाम पे है। कमबख्त। तुम मुझसे यह कहने आई हो कि सारी प्रॉपर्टी निर्मल के नाम है, इसलिए तुम जब चाहो जहां चाहो मुझे जलील करोगी, सबके सामने मेरी बेइज्जती करोगी। जिसने तुम पर अपनी इज्जत निछावर कर दी हो, तुम्हें अपना जिस्म सौंप दिया हो, वो तुम्हारी क्या बेइज्जती करेगी? कुछ तो मेरा मान रखो। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम्हारी मेरी शादी होगी। क्यों? अब तो माँ ने भी तुम्हें बहू मान लिया। मेरा यकीन रखो, लंदन से आते ही मैं तुमसे शादी करूंगा। क्या तुम वापस लंदन जा रहे हो? हाँ, लेकिन सिर्फ थोड़े दिनों के लिए। मुझे अकेली छोड़कर? अकेले क्यों? तुम्हारे पास मेरा दिल जो है, और जो दिल में रहते हैं वो दूर रहकर भी दूर नहीं होते, हमेशा साथ होते हैं। मेरे मालिक को मार डाला, 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 मेरे मालिक को। सतपाल चाचा। क्या सतपाल जिंदा है? हाँ बाबा, मैंने अपनी आंखों से देखा, अस्पताल वाले ने पकड़ कर ले गए। लेकिन बेटे। बाबा, मैं सतपाल चाचा को पहचानने में भूल कर सकती हूँ क्या? मैं भी वो हादसा कैसे भूल सकता हूँ जिसमें मालिक के साथ सतपाल भी मारा गया। मालिक के साथ? कौन था उनका मालिक? आपके पिताजी। मेरा भाई सतपाल उनका ड्राइवर था। इसका मतलब अगर वही सतपाल है तो मेरे पिताजी का एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि सतपाल तो सिर्फ एक ही बात कहता है, मेरे मालिक को मार डाला, 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 मार डाला, मेरे मालिक को मार डाला, हाँ मार डाला, मार डाला, मेरे मालिक को मार डाला। डॉक्टर साहब, ये देखिए, 7-8 साल पहले इसे पागलपन की हालत में इस अस्पताल में लाया गया, और तब से इसकी जुबान पर एक ही बात है, मेरे मालिक को मार डाला, मेरे मालिक को मार डाला। हमें तो ताज्जुब था कि आज तक इससे मिलने कोई आया क्यों नहीं। डॉक्टर साहब, क्या ये ठीक हो सकते हैं? क्यों नहीं, अगर आप इसे शहर के किसी बड़े अस्पताल में ले जाकर इसका इलाज करवाएं तो ये जरूर ठीक हो सकता है। टीवी क्यों बंद कर दिया? क्या बात है बेटे? मां, पिताजी की मौत कैसे हुई? कार एक्सीडेंट में, सब जानते हैं, उनके साथ उनका ड्राइवर सतपाल भी मारा गया। नहीं मां, पिताजी का एक्सीडेंट नहीं, खून हुआ है, और सतपाल मरा नहीं, जिंदा है। ये क्या कह रहा है तू? एक्सीडेंट तो एक फरेब था हमारी आंखों को धोखा देने के लिए, क्योंकि सतपाल के मुंह पर एक ही रट है, मेरे मालिक को मार डाला, मेरे मालिक को मार डाला। और क्या कह रहा था वो? हमारी बदकिस्मती मां कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, वो पागल हो गया है, लेकिन वो ठीक हो सकता है। मैं उसे दिमागी इलाज के लिए शहर ले जाऊंगा, और जब तक मैं पिताजी के हथियारों का पता नहीं लगा लेता मैं लंदन नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा तेरे पास मां।
कैसे हो सकता है? नहीं, ये नहीं हो सकता। बलदेव, ये सच है। निर्मल का बदला हुआ रुख सतपाल के जिंदा होने की गवाही दे रहा है। लेकिन मैं कैसे यकीन करूं? मुझे आज भी याद है वो रात जब मैं और तुम कहां गए आपके वो लीगल पति राय साहब? एयरपोर्ट। आज वो अपनी पहली बीवी की निशानी अपने लाडले बेटे निर्मल को मिलने लंदन जा रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं अपने वारिसदार को। प्यार तो वो मुझे भी बहुत करता है, लेकिन जो सुकून मुझे तुम्हारी बाहों में आकर मिलता है उसकी बाहों में नहीं। कैसे मिलेगा? पति और महबूब में यही तो फर्क होता है। अरे क्यों रो रही है तकदीर की मारी? जो कुछ हो रहा है ना, वो तो होता ही रहेगा तकदीर के सितम से। सतपाल जी, तुम ये रुको, 4 बजे एयरपोर्ट वापस जाना है। इस फ्लाइट को भी आज ही लेट होना था। मैं तो समझता था वेश्या सिर्फ बाजार में बैठी वो औरत होती है जिसकी मांग में किसी के कॉल का सिंदूर नहीं होता, जिसकी कलाई में किसी के नाम की चूड़ी नहीं होती, जिसके गले में किसी की बंदिश का मंगलसूत्र नहीं होता। मगर तू तो उन वेश्याओं से भी बदतर निकली जो पर्दे में होकर भी बेपर्दा होती है। और तू, तेरी जगह अगर मैं सांप से दोस्ती करता तो वो डसता, मगर इज्जत से कभी नहीं खेलता। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो अच्छा हुआ उसकी याददाश्त चली गई तकदीर के सितम से, वरना हम सबको हथकड़ी लग जाती। हथकड़ी तो अब भी लग सकती है। निर्मल सतपाल को लेकर शहर जा रहा है, उसका इलाज करवाने। अगर वो ठीक हो गया तो ठीक तो वो तब होगा जब निर्मल शहर पहुंचेगा। सतपाल अगर राय बहादुर के साथ नहीं मरा तो उसके बेटे निर्मल के साथ मरेगा। देखो निर्मल, हमने सतपाल को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया है, चिंता की कोई बात नहीं, सुबह तुम्हारे शहर पहुंचने तक इसे होश आ जाएगा। थैंक यू डॉक्टर, ऑल द बेस्ट।
जल्दी को जा रहा है। जाने दो कितनी दूर जाएगा, उसके कार में बॉम्ब है, कुछ ही मिनटों में एक धमाका होगा और सब खत्म। चलो उसकी मौत का तमाशा अपनी आंखों से देखते हैं। चला था कमीना अपने बाप के कातिलों की तलाश में, खुद ही मर गया। दाह संस्कार संपन्न हुआ, आइए मुखाग्नि दीजिए। आप मुखाग्नि देंगी? हाँ। आप नारी हैं, अपनी ही संतान को अग्नि दे सकेंगी? जब नारी संतान को जन्म दे सकती है तो अग्नि क्यों नहीं दे सकती? मैं अभागन इसकी सौतेली मां, इसे जन्म देने का सौभाग्य तो नहीं मिला, कम से कम अग्नि तो देने दीजिए। वरना इसकी आत्मा कोसेगी। सौतेली मां थी, कुछ नहीं दिया। चुरा के ले गई, सोना सोना दिल मेरा सोना। अबे ओ हराम खाओ, हवेली में मातंग हो रहा है, तेरे जवान भांजे की मौत हुई है और तू सर सबर रहा है? लोगों का रो रो के बुरा हाल है और तेरे आंखों में पसीना तक नहीं? भगवान करे तेरे मौत पे कुत्ता भी न रोए, तेरे अर्थी पर जूतों की माला चढ़े। मालिक बहुत बोल रहा तू, चौथे से निपट लूं फिर देखूंगा तुझे। अबे ओ बहन की बैसाखी के सहारे चलने वाले लंगड़े, तू क्या मुझे देख लेगा? जा नीचे जा, चौथे में तेरा इंतजार हो रहा है। हम तो बिल्कुल बेसहारा हो गए एसपी साहब, पहले राय बहादुर जी और अब निर्मल, दोनों कार एक्सीडेंट में चले गए। क्या बताऊं वकील साहब, मेरा तो कलेजा फट रहा है। जब से भांजे की मौत हुई है उनका एक दाना पेट पे नहीं गया, पानी पीता हूं आंसू बनकर बाहर निकल आते हैं। वसीयत लाए? हाँ बहना, वकील साहब आए हैं वसीयत की बात करने। वसीयत? मेरे बेटे की चिता की आग अभी ठंडी नहीं हुई और तुम्हें वसीयत की पड़ी है? अरे क्या करूंगी मैं ये हवेली, क्या करूंगी इस दौलत का? मेरा सब कुछ ले लो मगर मेरा निर्मल मुझे वापस ला दो, मेरा बच्चा मुझे वापस ला दो। सोनिया जी, दुखों की बिजली हम सब पर गिरी है, हौसला रखिए। ये बात सिर्फ एस्टेट और जायदाद की नहीं, इसके साथ जुड़े बहुत लोगों के परिवार हैं। अगर इस समय आप एस्टेट की बागडोर अपने हाथ में नहीं लेंगी तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। प्लीज इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। क्या है ये? जी एक नोटिस है, जायदाद आपके नाम करने से पहले इस नोटिस को इश्तिहार के तौर पर अखबारों में देना होगा। 7 दिनों के अंदर अगर किसी आदमी ने जायदाद का दावा नहीं किया तो जायदाद आपकी हो जाएगी। प्लीज साइन इट। राजा अब तक नहीं पहुंचा? शायद भगवान ने उसकी आंखें खोल दी। एसपी साहब, हम लखपति की तरह जीना जरूर चाहते हैं लेकिन इस तरह लखपति बनना नहीं चाहते। मुझे खुशी होगी अगर राजा ने आपका काम करने का इरादा बदल दिया हो। वो लोग बड़े बेवकूफ होते हैं जो अजगर के मुंह में जाने के बाद जिंदगी की बात करते हैं। राजा खुद बदल सकता है,
लेकिन अपने उन इरादों को नहीं बदल सकता जो उसने मेरे लिए किए हैं। बड़ा भरोसा है आपको अपने आप पर। लोहे का स्वाद लोहार नहीं, वो घोड़ा जानता है जिसके मुंह में लगाम होती है। मेरा नाम भीम थापा है। दगा भी मुझे दगा देने से डरता है। राजा तो मेरे हाथ का वो प्यादा है जिससे मुझे हवेली की बिसात जीत। अरे टेप क्यों बंद कर दिया? पागल हो गई क्या? हाँ हाँ मैं पागल हो गई हूँ। तुम सब गंदे लोग हो। भैया की मौत पर आंसू बहाने के बजाय तुम नाच रहे हो। गुड्डी ये क्या बकवास कर रही हो? जाओ अपने कमरे में। नहीं मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से। गुड्डी बहुत लंबी जबान हो गई है तेरी, मुझसे जबान लड़ाती है। आइंदा अगर तुम्हें मुझसे जबान लड़ाई ना तो मैं। नहीं नहीं मालकिन इसे मत मारिए, ये बच्ची है ना समझ है। तू चुप उठ कमीनी, मरती भी नहीं। मालकिन इस बच्ची को हाथ मत लगाइए। निर्मल बाबू इस दुनिया में नहीं, इसका मतलब ये नहीं आप इस बच्ची पर अत्याचार करें। अबे अब तेरी ये औकात हो गई, तू मेरी बहना से जबान लड़ा रहा है? अरे बहुत सर पर चढ़ा रखा है तुझे। मैं कहता हूँ बहना निकाल दो इसे नौकरी से। मुझे घर से निकालने की कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जा रहा हूँ इस घर से। वैसे भी इस घर में ऐसा कोई नहीं रहा जिसे मालिक राम मालिक कहे। चुप। देखा देखा बहना। भैया इस मनहूस को इसी वक्त ले जाकर हॉस्टल में डाल दो। नहीं मैं हॉस्टल नहीं जाऊंगी। अरे कैसे नहीं जाएगी तू? मुझे हॉस्टल नहीं जाना। देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी। अरे ये आधी रात को पेड़ कहां से गिर गया तकदीर के सितम से? आए अरे भागी कहा तू? रुक मेरे कट। प्लीज प्लीज मुझे बचा लो, मुझे हॉस्टल नहीं जाना है। अरे कौन है छोटे से? नहीं प्लीज मुझे बचा लो। अबे कहा ना छोड़ इसे। भैया ओ डार्लिंग यू सो स्वीट। कौन है तू? तू वापस आ गए? कौन लाया तुझे? उसका भाई। बहुत जल्दी तेरी आंखों का पानी चला गया जो अपने बेटे को नहीं पहचान रही। कौन सा बेटा? मेरा बेटा मर चुका है। लगता है ये कोई बदमाश है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूं। हेलो एसपी साहब, मैं दीवान बोल रहा हूँ। हमारी हवेली में निर्मल की शक्ल का एक आदमी घुस आया है, कोई बहरूपिया। बहरूपिया? आप फौरन पहुंच जाइए। ठीक है मैं अभी आता हूँ। थैंक यू। राजा पहुंच गया। कर लिया फोन?
आइए एसपी साहब, आइए आइए। एसपी साहब, क्या जमाना आ गया है। चोर मेन गेट से सीना तानकर सीधा हमारे घर में घुस आया, तकदीर के सितम से। कहां है वो? क्या बात है एसपी साहब? इतनी रात को मेरे घर पे क्या कर रहे हो? इन लोगों का मानना है कि तुम सही माने में निर्मल चिनॉय नहीं हो, कोई बहरूपी हो। इन लोगों ने कहा और तुमने मान लिया? क्या तुम निर्मल कुमार को नहीं पहचानते? पहचानता हूं, लेकिन यह भी हकीकत है, निर्मल मर चुका है। उसकी चिता मेरी आंखों के सामने जलाई गई। हो सकता है कि मरने वाला कोई बहरूपिया हो। तुम बहरूपिया नहीं हो, इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? मेरी सूरत, मेरी शख्सियत किसी सबूत की मोहताज नहीं। मैं निर्मल कुमार हूं, राय बहादुर चिनॉय का बेटा, इस एस्टेट का वारिस। हाँ, अगर इनके पास मेरे निर्मल ना होने का सबूत हो तो पेश करें, मैं खुद को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। एसपी साहब, इसकी बातों पर यकीन करने की भूल मत कीजिएगा, ये मेरा बेटा नहीं है। हाँ, मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, क्योंकि तू मेरी सौतेली माँ है, लेकिन मैं निर्मल कुमार हूँ। तू निर्मल नहीं है, मेरा बेटा मर चुका है, बहरूपिया है, निकल यहाँ से। मिसेस चिनॉय, जब तक इसके बहरूपिया होने का सबूत नहीं मिल जाता, तब तक यही रहेगा। अगर आप लोगों ने इसके साथ कोई बेजा हरकत की या कोई ज्यादती की, तो मुझे आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। अंडरस्टैंड? लुट गए, बर्बाद हो गए, बेड़ा गर्क हो गया। अरे बहना, सब कुछ हाथ में आके जाते हुए दिखाई दे रहा है, तकदीर के सितम से। एक बात बता थापा, तूने उस निर्मल को उड़ाया कैसे? निर्मल को मैंने नहीं उड़ाया, वो तो एक हादसा था जिसमें वो मारा गया। निर्मल को भगवान ने खत्म करके हम दोनों का काम आसान कर दिया। मैंने तो उस केस की फाइल भी बंद कर दी। देख राजा, अब जितनी जल्दी हो हवेली से माल निकाल कर खिसक ले, और होशियार रहना। सारे कागजात तैयार हो गए हैं, कल तक जायदाद आपके नाम हो जाएगी। कल क्यों? देखिए, हमारी तरफ से जो नोटिस जारी की गई थी उसमें साफ साफ लिखा है कि अगर 7 दिनों के अंदर अंदर कोई आदमी प्रॉपर्टी पर क्लेम या दावा नहीं करता है तो विल के मुताबिक जायदाद आपकी हो जाएगी। आज आखिरी दिन है, अगर शाम तक किसी ने आकर क्लेम नहीं किया तो कल मेरी जायदाद इनके नाम कर दी जाएगी। मुझे देखकर तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ गया वकील साहब? मैं निर्मल हूं। आप जिंदा हैं? मरे नहीं? मरा होता तो तुम्हारे सामने कैसे आता वकील साहब? लेकिन मेरे पास तो आपका डेथ सर्टिफिकेट भी है। अच्छा? हाँ, और मैं तो आपके चौथे में भी शरीक हुआ था। मतलब तुम भी पूरी तरह इन लोगों के साथ हो? नहीं 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 निर्मल बाबू, मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं तो जो कुछ भी कर रहा हूं कानूनी तौर पे कर रहा हूं। तुम मुझे कानून मत सिखाओ, तुम मेरी प्रॉपर्टी हत्याने के लिए इन लोगों की मदद कर रहे हो। मगर याद रखना, अगर तुमने मेरी जायदाद के साथ जरा भी गड़बड़ की तो मैं तुम्हें फ्रॉड के केस में नंगा करके अदालत में खड़ा कर दूंगा। नहीं 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 निर्मल बाबू, मैं इस केस को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मामा मानिक चंद, मुझे माफ करना भैया, मैं केस लड़ता हूं, केस में फंसता नहीं। आए? तो क्या तू जायदाद मेरी बहना के नाम नहीं करेगा? ए फैजाबादी, किस जमीन की बात कर रहा है तू? हवेली मेरी, जायदाद मेरी, एस्टेट मेरी, ये तेरी बहना कहाँ की मालकिन हो गई? खामोश, चिल्ला मत। मैं इसका क्या करूं? इसकी बत्ती बना लेना। हाय, वो अंदर आने न पाए।
देखते क्या हो, घेर लो इसे। यही है वो भैरूपिया जो तुम्हारे मालिक निर्मल की जगह लेना चाहता है, मार डालो इसे। ये फैक्ट्री मेरी है, जो कोई मुझे भैरूपिया समझता है वो ये फैक्ट्री छोड़कर जा सकता है। तुमने हथियार नहीं उठाए, क्या तुम्हारी नजर में मैं बहरूपिया नहीं हूं? मेरी नजर में तुम निर्मल भी नहीं हो। निर्मल बाबू अपने वर्करों के लिए लड़ते थे, वर्करों से नहीं लड़ते थे। यही वो जगह है ना संध्या, जब इनाम बांटते वक्त मैंने तुमसे अपनी मोहब्बत का इकरार किया था। यही वो जगह है जहां तुम्हारे हक के लिए मैं दीवान से लड़ा था। यही वो जगह है जहां मां ने तुम्हें बहू माना था। मैं तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए अपने निर्मल होने की सफाई मैं तुम्हें दे रहा हूं, वरना खामोश यहां से चला जाता तुम्हें भी छोड़कर। अब तुम और तुम्हारा दिल जो फैसला करे मुझे मंजूर है। निर्मल, हम क्या फैसला करेंगे? हम खुद तुम्हारी झूठी मौत पे इतना रोए हैं कि आज तुम्हें जिंदा देखकर मुस्कुराया भी नहीं जाता। आ गई ना तुम भी इसकी बातों के फरेब में। इस लुटेरे के हाथों बर्बाद हो जाओगे, इस फैक्ट्री के साथ साथ तुम सबको बेच देगा। मैं कहता हूं रोक लो इसे। ये सब क्या हो रहा है? वही जो तुम चाहते थे, इस बहरूपिया ने फैक्ट्री पर भी कब्जा कर लिया। तुम इस बहरूपिया का साथ दे रहे हो मगर तुम इसका अंजाम नहीं जानते। मैं तुम्हें सस्पेंड करवा सकता हूं, मेरी पहुंच तुम्हारी पहुंच से बहुत ऊपर है। बलदेव दीवान, पर कटने के बाद तो परिंदा भी उड़ान भरना बंद कर देता है। तेरे तो हाथ पांव दोनों कट चुके हैं, अपनी हरकतों से बाज आ जा वरना कानून का पट्टा तेरी गर्दन में डाल दूंगा। फिर लोग कहेंगे अच्छा खासा आदमी था, कुत्ता बना दिया। आईजी साहब, एसपी थापा मुझे धमकी देता है, कहता है कानून का पट्टा मेरे गले में डाल देगा। मैं आपसे फिर कहता हूं आईजी साहब, ये एक साजिश है जिसमें एसपी थापा भी शामिल है। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? आईजी साहब, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। एसपी थापा शुरू से ही उस बहरूपिया की रहनुमाई कर रहा है। हम जब भी उसे बेनकाब करने की कोशिश करते हैं थापा वहां पहुंच जाता है और उसे गलत साबित करने की बजाय हमें गलत ठहराता है। लेकिन क्यों, उस बहरूपिया को निर्मल साबित करके थापा को क्या मिलेगा? निर्मल के नाम जुड़ी करोड़ों की दौलत, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। आजी साहब, ये तमाम तस्वीरें चिनाय खानदान के पूर्वजों की हैं। ये साल में सिर्फ एक बार बरसी के वक्त निकाली जाती हैं। आज निर्मल के दादा की बरसी है, उसे अपने दादा की तस्वीर पहचाननी होगी। अगर वो अपने दादा की तस्वीर नहीं पहचान पाया तो आज आपके सामने यह साबित हो जाएगा कि वो बहरूपिया है। वैसे इनमें से उसके दादा की तस्वीर कौन सी है? वो तीसरी। सर, मिस्टर थापा, क्या वजह है कि तुम्हारी लाख कोशिशों के बावजूद आज तक ये केस सुलझ नहीं पाया? फिर पुलिस, ये मेरी हवेली है या मुजरिमों का अड्डा? अबे जहां तेरे जैसे गुंडे हों वहां पुलिस नहीं आएगी तो क्या फैजाबाद से साधु संत आएंगे तकदीर के सितम से? आए बोल। भैया पंडित जी, हार दीजिए। ये सब क्या है? याद नहीं तुझे? आज तेरे दादाजी की परसी है, तुझे उनकी तस्वीर पर हार पहनाना है। हैरान क्यों हो गया, अपने दादा की तस्वीर नहीं पहचानता? पहनाओ भांजे,
आज तुम्हारे बाप के बाप की बरसी है तकदीर के सितम से। कम ऑन डू इट। आईजी साहब, देखा आपने, सच्चाई आपके सामने आ गई। ये निर्मल नहीं बहरूपिया है। मिस्टर थापा, अरेस्ट हिम। सर, इंस्पेक्टर। सर, मिस्टर निर्मल कुमार चिनॉय, You are under arrest. मेरी गिरफ्तारी की वजह? इसलिए कि तुम बहरूपिया साबित हो गए हो। ये तस्वीर दादा की नहीं, कुलगुरु की है। जानता हूं। पंडित जी, दादाजी की तस्वीर ये है। जब तुम ये जानते थे कि यह तुम्हारे दादाजी की तस्वीर नहीं है, तो फिर तुमने इस तस्वीर पर हार क्यों डाला? वो इसलिए, शायद इस घर के लोग भूल गए हों, लेकिन मुझे अपने घर की परंपरा आज भी याद है। हमारे घर में सबसे बड़ा दर्जा गुरु का होता है, और दादाजी तो गुरु को भगवान से भी ऊंचा मानते थे। अब आप ही सोचिए, अगर मैंने गुरु जी से पहले दादाजी को हार पहनाया होता तो दादाजी की आत्मा को कितनी ठेस पहुंचती। मगर अब एक बात याद रखिए, मैंने हर कदम अपने निर्मल होने का सबूत दिया है। आज के बाद अगर दोबारा पुलिस मेरे घर पे आई तो मुझे मजबूरन पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। सॉरी मिस्टर निर्मल, आप शक की कोई गुंजाइश नहीं रही। हाँ, आज के बाद अगर इन लोगों ने आपके साथ कोई ज्यादती की तो हम इनके खिलाफ एक्शन लेंगे। पंडित जी, मेरी मां की तरफ से गरीबों को खाना खिला देना। तो ये है तेरी साथ, तेरी औकात, तेरी असलियत। अरे मेरा निर्मल शराब पीना तो दूर, शराब को छूता तक नहीं था। तेरा निर्मल था ना, लेकिन मैं तेरा निर्मल नहीं हूं, तेरे निर्मल जैसा हूं। तू कुछ भी कर ले, मगर तू मुझे बहरूपिया नहीं साबित कर सकती। मां मत कह मुझे मां, तेरे मुंह से निकला हुआ ये शब्द मुझे माँ की गाली से भी गंदा लगता है। तुझे माँ कहना तो मेरी मजबूरी है, क्योंकि तुझे माँ कहने से ही मुझे ये सारी दौलत मिल सकती है जिस पर तू नागिन की तरह बैठी राज कर रही है। दौलत? तुझे दौलत चाहिए ना? ले, ले, और ले। ले, ले, जितनी चाहिए ले ले और दफा हो जा, निकल जा मेरे घर से। तू
तूने मुझे इतना कमजोर बिजनेसमैन समझा है कि मैं तेरे चंद लाख रुपए लेकर यहां से निकल जाऊं? अरे भगवान ने मुझे वो सूरत दी है जिससे मैं करोड़ों कमा सकता हूं। तू एक काम कर, पैसे तुझे मैं देता हूं, ये पैसे ले और दफा हो जा यहां से। ले ले। मादर जात, मेरी ही दौलत तू मुझे खैरात में दे रहा है? हमारे बीच माँ बेटे का रिश्ता नहीं है। अब आइंदा हाथ उठाने की कोशिश की तो हाथ तोड़ दूंगा, समझी? मामा, ये लो खीर। खीर? हाँ, क्या हुआ मामे, कल रात घर में खीर बच गई थी। अच्छा? हाँ, मैंने सोचा किसी भिखारी को दे दूं, इतने में वो कमीना खुजली वाला कुत्ता आके इसे चाट गया। जी 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 जी। मैं भी फेंक देने वाला था, फिर सोचा कुत्ते की चाटी हुई खीर क्यों ना किसी दूसरे सड़े हुए गिरे हुए कुत्ते को खिला दूं। अच्छा, बस तुम्हारी याद आ गई। मालिक, मैं तुझे छोड़। मामे, 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 इसे मत फेंकना, ये डब्बे को लेकर मैं सुबह बाथरूम जाता हूँ। अगर इसे फेंक दोगे तो सुबह बाथरूम में लेकर क्या जाऊंगा? बहुत हो गया मालिक, बहुत हो गया। अब तू सीधी तरह नीचे चल और मेरा खाना। नीचे मत जाना, पंगा हो जाएगा। क्यों? वो बेटा पी रहा है, लगता है बहुत गुस्से में। क्या? इसलिए बोलता हूँ मामे, खीर खा ले। हाँ? कल सुबह आके डब्बा ले जाऊंगा, खा ले। खा ले मामा, पता नहीं अगली बार खीर कब मिलेगी खाने को। और फिर कुत्ते नहीं तो चाटा है, इंसान भी तो पहले जानवर ही था तकदीर के सितम से। खा ले अब। भाई निर्मल मिया, एक बात हमारी समझदानी में नहीं आई, आप खुद मालिक होकर माल आधे कीमत में क्यों बेच रहे हो? इसलिए कि तू पेमेंट कैश कर रहा है। ये ले गेट पास और जा माल भर ले। अरे हैदराबादी, तू यहां क्या कर रहा है? धंधा कर रही हूं मिया। धंधा? इससे? चुपचाप दफा हो जा मेरे ऑफिस से। ए दीवान, किसे भगा रहा है? साले नौकर होकर मालिक के ऑफिस में घुस के बदतमीजी करता है। नौकर? कौन नौकर? मैं तेरा नौकर हूं? जबान खींच लूंगा तेरी। जबान खींचेगा मेरी? एक बात याद रख, गली के कुत्ते की औकात घर के बाहर तक होती है, घर के अंदर मुंह डाला तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा, समझा? अरे संध्या, तुम? निर्मल बाबू, आज शाम हमारी बस्ती में शरद पूर्णिमा का त्योहार मनाया जा रहा है, आप आएंगे तो हमारी बस्ती की रौनक बढ़ जाएगी। तुम बुलाओ और मैं ना आऊं, ऐसा कभी हो सकता?
जागे सारी रात ये जागे। क्या बात है एसपी साहब? हवेली से फोन करके किसी ने अर्जेंट हमें यहाँ बुलाया है। हम में से तो किसी ने फोन नहीं किया। फोन मैंने किया था। एसपी साहब मुझे एफआईआर दर्ज करवानी है। बात क्या है? आज रात जब मैं बस्ती के प्रोग्राम से वापस आ रहा था तो रास्ते में कुछ गुंडों ने मुझे मारने की कोशिश की लेकिन मैं बच गया। मैं चाहता हूं कि आप तहकीकात करें कि वो किसके आदमी थे। तुम्हें किसी पर शक या किसी भी हादसे में जरा सी खराश आई तो इसके जिम्मेदार होंगे और मुझे मजबूरन आप लोगों को हिरासत में लेना पड़ेगा। एसपी साहब, अगर मुझ पर दोबारा हमला हुआ तो सेल्फ डिफेंस के लिए मुझे मजबूरन कानून को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। अपनी आत्मरक्षा के लिए तुम जो चाहो करो मगर किसी की जान मत लेना। ओके, गुड नाइट। पटियां संभाल के रखना दीवान, तेरे काम आएंगी। तू मुझे गलत साबित नहीं कर सका तो गुंडों का सहारा लेने लगा। हां, अब मार मुझे, मार मार ना। चल मार, मार मुझे। मैं तो यही चाहता हूं कि तू मुझे मारे मगर याद रखना दीवान, अगर मेरे जिस्म पर एक भी खराश आई तो तेरी आज की रात घर पर नहीं हवालात में कटेगी। Thank you.
अब आइंदा अगर तू मेरे रास्ते में आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये राजा यहां क्या कर रहा है? ये राजा तुम्हें क्यों मार रहा था? राजा? कौन राजा? बंबई का छटा हुआ गुंडा है साला। क्या तुम जानते हो उसे? हाँ। क्या सबूत है तुम्हारे पास? हजारों सबूत हैं, और सबसे बड़ा सबूत है राजा कहाँ है। कौन राजा? किस राजा की बात कर रहे हो तुम? वही जिससे तुम प्यार करती थी और जिसके घर आने की राह तकती थी, लेकिन बदकिस्मती से वो जेलों में ही रहता था। मैं किसी राजा को नहीं जानती। खूबसूरती के साथ साथ झूठ बोलने का इल्म भी तुम्हारे पास अच्छा है। क्या बकवास कर रहे हो? मैं बकवास नहीं करता प्रिटी गर्ल, मैं तो सिर्फ ये कहने आया था कि राजा जो अपनी सूरत का फरेब देने के लिए मेरी हवेली में घुसा है उसे वापस बुला लो, क्योंकि इसमें हम दोनों का नुकसान है। मैं मानता हूं कि तुम बहुत खूबसूरत हो, लेकिन मर्द का दिल आवारा होता है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसके इंतजार में यहां करवटें बदलती रहो और वो वहां इस लड़की के साथ सुहागरात मना रहा हो। निर्मल, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम काफी बदल गए हो। अब देखो ना, आज तुम मुझे कितने दिनों के बाद मिल रहे हो। जो दिनों बाद मिलते हैं वो दिनों तक दिलों में रहते हैं। अब चलूं? मेरी चाबी लाओ, मुझे दो। संध्या, संध्या, अरे संध्या, किसने बोला था तुम्हें भागने? हाँ, संभल के चला करो, उन रास्तों में चला ठीक नहीं जिन्हें फिसलन ज्यादा हो। देखिए मैडम, मेरा नाम निशा है, बॉम्बे से आया हूँ, जर्नलिस्ट हूँ, मुझे आपका इंटरव्यू चाहिए राजा साहब। मेरा नाम निर्मल है। नाम निर्मल है, लेकिन आज आप स्टेट के राजा ही तो है ना। बड़ी मेहरबानी होगी अगर आज आप थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे इंटरव्यू दे दें। दीवान जी, इस बार तुमने सही गोटी फेंकी है। राजा, अब तुम यही कहोगे ना कि जो कुछ भी मैंने देखा वो मेरी आंखों का धोखा है। राजा, तुम घर से अपना नाम बदल के आए थे, लेकिन यहां आके तुमने अपने आप को भी बदल डाला। ये तुम कैसी बातें कर रही हो निशा? मैंने जो सुना वही देखा। तुम्हारी आंखें जो कल तक मेरी रूप का आईना थी, आज उनमें किसी दूसरी की तस्वीर बस गई है। आप उनकी बात का यकीन करो निशा, उसके पाव में मोच आ गई थी। छोड़ दो दुनिया के पाव में गिरना, मैंने तुम्हारे पाव में अपना दिल रखा है। दिल याद रखना, एक लड़की सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने महबूब के बिस्तर में किसी सौतन के जूड़े का फूल नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा राजा ऐसा कर सकता है? राजा तुम्हारा था, तुम्हारा है, तुम्हारा रहेगा।
उसमें। आओ ये रहा। कैसेट कैसेट तो नहीं है। तुम इसी वक्त यहाँ से बॉम्बे चले जाओ। तुम मुझे वापस क्यों भेजना चाहते हो? समझने की कोशिश करो निशा, उन लोगों ने तुम्हें मेरा पर्दाफाश करने के लिए बुलाया। ये देखो, ये कैसेट उन लोगों ने हमारी बातें टेप करने के लिए रखी थी। ये तो अच्छा हुआ कि मुझे पता चल गया, वरना आज मेरी असलियत उनके सामने आ जाती। तो छोड़ दो ये धनदौलत का लालच राजा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे साथ किसी भी हाल में जी लूंगी। पागल मत बनो निशा, मेरी बात मानो और यहाँ से चली जाओ। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मैंने तुम्हें उस लड़की के साथ जिस हाल में देखा है वो मेरे बर्दाश्त की इंतहा थी। निशा, संध्या से मेरा कोई संबंध नहीं है। वो मुझसे इसलिए प्यार जता रही है क्योंकि वो मुझे निर्मल समझती है। और तुम निर्मल बनकर उसका फायदा उठा रहे हो? जब तक मैं यहाँ निर्मल बनकर रहूंगा, मुझे निर्मल की हर चीज को अपनाना पड़ेगा। संध्या, कमीने, मक्कार, फरेबी, आज तक तू निर्मल होने का फरेब देता रहा, मेरे प्यार मेरे जज्बात को खेल कर फेंक देने वाला खिलौना समझ रहा, मुझे धोखा देता रहा तू। मैं आज तुझे बेनकाब करके ही छोड़ूंगी। संध्या, अपनी शक्ल का फायदा उठाकर तू निर्मल बाबू की जायदाद हथियाने आया है? भैरूपिए, मैं तेरा ये असली चेहरा दुनिया के सामने लेके आऊंगी, सबको बता दूंगी कि तू एक खूनी है, धोखेबाज है, फरेबी भी है। एसपी साहब, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए, इसे गिरफ्तार कीजिए। ये भैरूपिए निर्मल बाबू नहीं, राजा है। राजा, तुम कैसे जानती हो कि ये राजा है? मैंने खुद अपने कानून से सुना है, ये राजा है। इसे गिरफ्तार कर लीजिए, ये राजा है। नहीं पापा। राजा, अगर ये लड़की गांव तक पहुंच गई तो हमारे तमाम मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। तुम किसी तरह निशा को यहाँ से लेकर जाओ, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। तुम्हें यहां निशा को लाने की जरूरत क्या थी? तुम जानते हो लोगों के जहन में तुम्हारे बहरूपे होने का शक आज भी है। निशा को यहां मैंने नहीं बुलाया, वो यहां कैसे आई है मुझे कुछ नहीं पता। मुझे डबल क्रॉस करने की कोशिश मत करना राजा, मैं सिर्फ ऊपर से पुलिस ऑफिसर हूं, अंदर से एक ऐसा जल्लाद हूं जो तुम जैसे जेब कतरों को जेब में रख के घूमता हूं। जिस आदमी के लिए पुलिस की जेल छोटी पड़ती हो, वो तुझ जैसे पुलिस वाले के जेब में नहीं आएगा। कल हमारी गेम का आखिरी दिन है, कल अपन सबके सामने अपने पत्ते डिक्लेयर करेगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि आप जानते हैं कि मिस्टर निर्मल कुमार आज अपनी तमाम प्रॉपर्टी की नीलामी करवा रहे हैं, और नीलामी की शर्तें तो आपको बता ही दी गई हैं। पेमेंट कैश होगा, वो भी 500 के नोटों में। वकील साहब, नीलामी शुरू करो। जी साहिबान, सबसे पहले बोली लगाई जाएगी निर्मल टी एस्टेट की, जिसकी कीमत हमारे निर्मल बाबू ने सिर्फ 2 करोड़ रखी है। 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 2.5 करोड़, 2.5 करोड़ 1, 2.5 करोड़ 2, 2.5 करोड़ 3।
अब बोली शुरू होगी इस शानदार हवेली की। 1942 में बनी इस हवेली की कीमत हमारे निर्मल बाबू ने सिर्फ 3 करोड़ रखी है। संपत्ति कौड़ियों के भाव बेचकर तू सोचता है तू यहां से चला जाएगा? कौन रोकेगा मुझे? तू? जब तू मुझे इस हवेली में आने से नहीं रोक सकी तो जाने से क्या रोकेगी? औरत है, औरत के दायरे में रह। वो सीता थी जिसके सामने लक्ष्मण रेखा खींची गई थी। मैं दायरे में रहकर अपनी बर्बादी का तमाशा नहीं देख सकती। तो क्या करेगी? तूने अभी तक मेरा असली रूप नहीं देखा। तेरा कोई भी रूप मेरा रास्ता नहीं रोक सकता। तू आज तक मुझे भैरूपिया साबित करने की कोशिश करती रही लेकिन नाकाम रही, मगर आज जाते हुए मैं तुझे हकीकत बताता हूं, मैं भैरूपिया ही हूं। मेरा नाम राजा है। आज तेरा सब कुछ लेकर जा रहा हूं मैं। अगर तुझ में दम है तो मुझे रोक ले। नहीं, तू नहीं जा सकता। हट! था तू मेरी संपत्ति इतनी आसानी से ले जाएगा? इस संपत्ति के लिए मैंने अपने पति की जान ली, अपने सौतेले बेटे की हत्या की, तो क्या तुझे छोड़ दूंगी? बहुत खूब। जब मैंने तुझे निर्मल के चौथे पर छाती पीट पीट कर रोते हुए देखा था तब तू मुझे ममता में सराबोर एक मां नजर आई थी, मगर तू तो बहुत ऊंचे दर्जे की औरत निकली। पति और बेटे के खून के बाद एक और ताजा खून। इतनी जल्दी नहीं थापा, अभी अपुन जिंदा है। अपुन जानता था कि नागिन बदला लेती है, इसीलिए अपुन ने बुलेट प्रूफ जैकेट पहन लिया था। अब तेरी जिंदगी अपुन के हाथ में है। तू हार गई। तेरी गर्दन तो अपुन के पकड़ में उसी वक्त आ गई थी जब निर्मल तेरे ड्राइवर सतपाल को लेकर शहर जा रहा था। कौन है? राजा।
तेरा हम शकल। आपुन की शकल एक जैसी है लेकिन आपुन के हालात एकदम अचलक। तेरे पास राजपाट, आपुन के पास फुटपाथ। चाहते क्या हो? आपुन तेरी तमाम दौलत का मालिक बनना चाहता है जिसका तू मालिक है। तुम समझते हो पुलिस और कानून इस मुल्क से खत्म हो चुके हैं? वैसे ये प्लान पुलिस वाले का ही है, वो भी तेरे इलाके का एसपी भीम थापा, जो आपुन के 50% का पार्टनर है। क्या? आपुन का बस चले तो दुनिया के सारे अमीरों के हाथ में कटोरा देकर नंगा करके भीख मंगवाऊं। The whole thing is पैसा बिड़ू। देख राजा, इस वक्त मुझे जाने दे। ये आदमी जो मेरी कार में है, मैं इसका इलाज करवाने जा रहा हूं, क्योंकि ये उन लोगों को जानता है जिन्होंने मेरी मां का सुहाग उजाड़ा है। मुझे अपने बाप के कातिलों से बदला लेना है। जास्ती बोल बच्चन ने, अपन तेरी तू निर्मल है? हाँ मैं निर्मल हूं, निर्मल कुमार चिनॉय, तुम्हारा सौतेला बेटा। मुझे तो उसी दिन यकीन हो गया था कि पिताजी का खून तुमने किया है, लेकिन यह सच्चाई मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। सतपाल मर चुका था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। तभी मेरे दिमाग में मेरा वो हमशकल राजा आया जिसे यह कमीना निर्मल बनाकर हमारी हवेली में घुसाना चाहता था। पर्स में राजा की महबूबा निशा की तस्वीर थी। मैंने राजा के बारे में तमाम जानकारी हासिल की और उसकी आदतों को अपनी सूरत में ढालकर तुम लोगों के सामने आया। आज मेरा मकसद पूरा हो गया है। मैंने अपने पिताजी के कातिलों का इकबाल जुर्म इस टेप रिकॉर्डर में टेप कर लिया है। साला तू तो छुपा रुस्तम निकला। अब मैं तुम सबको कानून के निशा ये सब तेरी वजह से हुआ है। मेरा राजा तेरी वजह से मरा है। तू हत्यारा है कुड़ी में। निर्मल थापा, निशा को छोड़ दे। निर्मल पिस्तौल फेंक दे और टेप मुझे दे दे। तूने गाड़ी में बम रखवाया था ना? तेरी वजह से राजा मरा है। तू औरत नहीं, औरत जाति कलर क्या किया? मैं जा रही हूं अब अपने राजा के पास। मिस्टर थापा, तुम्हारी इस हरकत के लिए मैं तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलवाऊंगा। ये ले जाए जी साहब, इसमें इनका एक बाले जुर्म टेप है। थैंक यू। निर्मल ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था।
और नीलामी में बोली लगाने वाले हमारे ही आदमी थे। साहब, इस नामुराद को भी ले जाइए, जेल में झाड़ू पोता लगाने काम आएगा। निर्मल बेटे, फैजाबाद के बुजुर्ग बिल्कुल सही कहते थे, जैसी करनी वैसी बननी, बुरे का अंत बुराई होता है। हाँ, चले। ए, मेरे साथ नहीं, इनके साथ चले। तू निकला छुपा रुस्तम।